अपने स्टेट का एग्जाम हो, हर एक एग्जाम में एक या दो क्वेश्चन पूछ ही लिए जाते हैं। तो आज हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन में क्या देखेंगे, आज इसका पार्ट फर्स्ट है, तो इसमें हम लोग देखेंगे अनुपात और समानुपात होते क्या है। इसके बाद कुछ और कॉन्सेप्ट देखेंगे। इसके बाद आज हम जो क्वेश्चन लेंगे बहुत ही बेसिक क्वेश्चन होंगे, बहुत ही बेसिक होंगे, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं कि अनुपात क्या होता है। अनुपात जो आपको डेफिनेशन दिख रही है कि दो सजातीय राशियों के बीच तुलनात्मक संबंध को हम लोग क्या कहते हैं, अनुपात कहते हैं। मतलब एक वर्ड आया सजाती, सजाती का मतलब होता है उनकी जो जाति है वो एक ही होनी चाहिए। जैसे कि अब हम यहाँ पे लिख दें ए रेशियो बी, तो ये एक जाति के हैं। अब हम ऐसा करें ए रेशियो एक, तो ये क्या हो गया, इनकी जो जातियां हैं वो अलग अलग, यानी विजाती हो गए। ऐसे कि हम लिखें 2 और 3, तो ये जो है हमारे वो क्या हुए, ये हमारे हुए सजाती। तो यही परिभाषा हमारी बोलती है कि दो सजातीय राशियों के बीच तुलनात्मक संबंध को, जब हमने रेशियो लगा तो इससे हो गई तुलना कि ये हमारा इससे ज्यादा है, 2 का 1.5 गुना होता है 3, जैसे कि 2 और 4 का रेशियो, ये क्या है, इसका तुलना हो रही है इससे, तो ये इसका 2 गुना हो गया। और एक टर्म जो आया सजाती, मतलब उनकी जातियां जो हैं वो समान होनी चाहिए, ठीक है। तो अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट हमारा क्या कहता है, अगला पॉइंट जो है हमारा है समानुपात। समानुपात, समानुपात की परिभाषा क्या कहती है कि जब दो अनुपात आपस में बराबर हों तो हम उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं समानुपात। जैसे कि हमने दो अनुपात ले लिए, एक हमारा 2:3 है, एक हमने ले लिया 4:5। तो क्या कहता है, जब दो अनुपात आपस में बराबर हों तो हमारा क्या कहलाता है, समानुपात। अगर हम इसको बराबर कर दें तो यही हमारा हो जाएगा समानुपात। ये जो चार टर्म हैं, यानी 4, 2, 3, 4, 5, ये जो क्या हुए, ये समानुपात में हुए। समानुपात, अनुपात में क्या होता है, जैसे कि हमने लिया दो सजाती पद ले लिए, अनुपात का मतलब होता है बटे में भी होता है, ठीक। तो अब हम इसको देखते हैं, क्या हमने बोला था कि जब दो अनुपात आपस में बराबर हों, बराबर हुए, और समानुपात का एक सिंबल भी होता है। हम क्या करते हैं, बराबर की जगह बराबर ना लिख के वहां पर समानुपात का सिंबल भी लगा देते हैं। जैसे कि इसको ही लिखते हैं 2:3 समानुपात, समानुपात का ये वाला सिंबल जो होता है वो हमारा समानुपात का होता है, जैसे कि 4:5। अब देखिए क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में कैसे पूछा जाता है। जैसे कि अब आपने देख लिया ये सिंबल होता है, और बराबर मतलब सिंबल हो या बराबर का चिन्ह लगाएं, दोनों चीजें समान होती है। परिभाषा हमारी क्या कहती है, जब दो अनुपात आपस में बराबर हो तो उसको हम लोग बोलते हैं समानुपात। तो देखिए अब तो आप लोगों ने देख ही लिया है ना। अब देखिए जैसे कि दो रेशियो बराबर हुए हमारे 5 और 6 और 7, ये हमारा क्या है, समानुपात में। इस समानुपात में क्वेश्चन कैसे पूछता, जैसे हमारे ये 4 पद दिए हैं 2, 5, 6, 7, इसमें एक पद को वो मिस कर देगा, वहीं से पूछेगा, वहां पे एक्स रख देगा या फिर क्वेश्चन मार्क का चिन्ह लगाएगा, पूछेगा इसका मान क्या होगा। तो हम देखते हैं अनुपात में जब दो अनुपात बराबर होते हैं तो समानुपात बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है, आउटर आउटर और इनर इनर का गुणा हो जाता है, यानी बाहरी बाहरी पदों का गुणा और जो भी अंता पद होते हैं उनका गुणा हो जाता है। जैसे कि 2 का हो जाएगा हमारा 7 और 5 का हो जाएगा हमारा 6 से। वो कैसे हो जाता है, अब आप देख लीजिए कि हमने बताया था जो अनुपात होता है वो बटे में होता है, जैसे 2 और 5 बटे में है, और अनुपात समानुपात का चिन्ह लगाएं या बराबर का लगाएं, बात एक ही है। अब 6 और 7 जब अनुपात में थे तो ये बटे में हो जाएंगे। आपको पता, जब दो चीजें अनुपात बराबर में हों तो उनका कैंची का गुणा हो जाता है। जैसे कि अब 7 का हम लोग 2 के साथ करेंगे और 5 का 6 के साथ, अब 2 का 7 के साथ और 5 का 6 के साथ। तो बात जो पहले हमने बोली थी, आउटर आउटर और इनर इनर का गुणा करते हैं। तो अब आप समझ गए होंगे ये 4 में एग्जाम में कैसे पूछा जाता है क्वेश्चन, एक पद को वो मिस करता है, वहीं पे कुछ भी रख दे, ए रख दे, आपकी एक्स रख दे, या फिर क्वेश्चन मार्क बोले, कुछ भी बोल के आपसे मान पूछता, आपको कुछ नहीं करना, आउटर आउटर और इनर इनर का गुणा करना है, आपको आपका क्वेश्चन का जो जो भी क्वेश्चन में पूछा जाता है वो उसका आंसर मिल जाएगा। अब हम इसको रफ करते हैं, देखते हैं तीसरा पॉइंट हमारा क्या है।
हमको दो रेशियो दे रखे होंगे, जैसे ए बी और बी और सी। तो हमसे इससे क्या पूछ सकता है, इससे हमसे पूछ सकता है ए और सी का रेशियो, बी और सी का रेशियो। तो हम इस रेशियो में क्या करते हैं, हम इस रेशियो में कुछ नहीं करते हैं, हम करते हैं कि ए और बी, और बी को बी के नीचे लिखते हैं, बी और सी। अब हमें तीनों का रेशियो निकालना, जब हम तीन का रेशियो निकाल लेंगे इसके बाद हमें चाहे ए बी का पूछे, चाहे बी सी का पूछे, चाहे सी और ए का पूछे, तो हम उसके मान निकाल सकते हैं। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, इसमें ए का बी के साथ गुणा करवाते हैं, ए का बी के साथ जैसे ही गुणा करेंगे तो हमारा कितना हो जाए, ए और बी हो जाएगा इन टू में। अब रेशियो लगाते हैं, बी का बी में करेंगे तो बी का अगर बी में करेंगे तो हमारा हो जाएगा बी स्क्वायर। अब बी का हम सी में करेंगे तो क्या होगा, बी इंटू सी। अब हमारे पास ये ए का रेशियो है, ये बी का है और ये सी का है। अब हमसे चाहे ए सी का पूछे, चाहे बी सी का पूछे, चाहे सी ए का पूछे, तीनों में किसी का अगर रेशियो पूछता है हमसे तो हम इसके माध्यम से निकाल सकते हैं। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं, उससे समझते हैं कैसे हम लोग निकालते हैं। जैसे कि आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा ए और बी का जो रेशियो है वो कितना है, 2:5, और बी और सी का रेशियो है 3:2, और आपसे पूछेगा कि ए सी का रेशियो बताइए, या आपसे पूछेगा बी और सी का रेशियो बताइए, कुछ भी पूछ सकता है तीन पदों में से एक। तो हम लोग क्या करते हैं, हमने बताया था आपको ए रेशियो बी और बी रेशियो सी। अब देखिए ए और बी का रेशियो कितना है, 2:5, बी और सी का कितना है आपका, 3:2। अब देखिए ए और बी का करते हैं गुणा तो कितना होता है, 3 × 2 = 6, बी और बी का करते हैं तो 3×5 = 15, और हम क्या करते हैं बी और सी का करते हैं तो कितना है, 5×2 = 10। तो ये हमारा ए का रेशियो, ये बी का रेशियो, ये सी का रेशियो। अब पूछा क्या हमसे क्वेश्चन में, ए और सी, ए का कितना, ए का है 6 और सी का कितना है 10। अब इसमें 2 कॉमन आएगा तो आपका कितना हो जाएगा, 3:5, यही आपका आंसर होगा। अब आपसे पूछा है बी और सी का, बी का आपका कितना है, बी का आपका 15 है, और सी का आपका कितना है, सी का आपका 10 है। इसमें आपको कॉमन क्या मिल रहा है, इसमें हमको कॉमन मिल रहा है 5, तो हमारा कितना हो जाएगा, 3:2। तो अब आपको समझ में आ गया होगा, अगर आपसे 2 रेशियो दे रखे हों आपको ए बी और बी सी का, अगर आपसे कोई भी रेशियो पूछता ए सी का, बी सी का, सी ए का, तो आप निकाल सकते हैं। अब आता है अगर 4 पद दे रखे हों एग्जाम में, 4 वाला भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता, तो अब हम देखते हैं 4 वाला, 4 वाला कैसे दिया होता हमारा, ए रेशियो बी, बी रेशियो सी, और सी सी रेशियो डी, यानी अब हमारे पद हो गए हैं 4, 4 पदों का रेशियो। यानी हमसे अगर यहां से पूछ लेता है कि आप ए और डी का रेशियो बताइए, या बी और डी का रेशियो बताइए, या सी और डी का रेशियो बताइए, किसी का रेशियो पूछ सकता है 4 पदों में से हमसे, तो हम लोग देखते हैं कि हम लोग निकालते हैं इसको कैसे। देखिए हम लोग क्या करते हैं, जैसे ए और बी, बी और सी, सी और डी, अब हमारे पद हैं 4, तो हमारे रेशियो कितने आएंगे, तो रेशियो भी हमारे आएंगे 4। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, ए बी सी, ए बी सी, ए इंटू बी इंटू सी रेशियो। अब क्या करते हैं दूसरे पद में, जब बी का रेशियो निकालते हैं तो बी बी और सी का गुणा करते हैं हम लोग, बी इंटू बी इंटू सी। अब जब सी का रेशियो निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, बी सी सी, यानी बी इंटू सी इंटू सी। अब जब डी का रेशियो निकालते हैं तब हम लोग क्या करते हैं, बी सी डी, बी सी और डी। तो अब आपको समझ में आ गया होगा, अगर 4 पद आपको दे रखे हों तो आप लोग उनका रेशियो कैसे निकालेंगे। हमने बताया सबसे पहले ए का रेशियो निकालते टाइम क्या करते हैं, ए बी सी का गुणा करते हैं, इसके बाद जब हम बी का निकालते हैं तब क्या करते हैं, तब करते हैं बी
बी और सी का गुणा करते हैं। जब सी का निकालते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, बी सी सी का गुणा करते हैं। जब डी का निकालते हैं तब हम लोग करते हैं बी सी डी का गुणा। अब हम देखते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं और समझते हैं कि कैसे होता है एग्जाम्पल के थ्रू। अब हम लोग समझते हैं, जैसे कि यहाँ पे देखिए ए और बी का जो रेशियो हमारा कितना दे रखा, 2:1, और बी और सी का रेशियो हमारा दे रखा 3:2, और सी और डी का जो रेशियो वो हमारा कितना दे रखा है, मान लीजिए यहाँ पे दे रखा 5:3। ये तीन रेशियो हमको दे रखे हैं और हमसे पूछेगा कि ए और डी का रेशियो क्या होगा। हमसे कुछ भी पूछ सकता है, सी और बी का पूछ सकता है, ए और डी का पूछ सकता है। तो अब हम लोग देखते हैं, हमने क्या किया था, ए और बी का रेशियो लिखा था, इसके बाद क्या लिखा था हमने, बी और सी का, इसके बाद लिखा था सी और डी का। सी का कितना है आपका, सी और डी का है आपका 3। अब देखते हैं चारों रेशियो हम लोग निकालते हैं। सबसे पहले ए का होगा, फिर बी का होगा, फिर सी का होगा, फिर डी का होगा। अब देखिए ए का निकालते टाइम क्या करेंगे हम लोग, ए बी सी, दो दूनी चार पंजे बीस, ये हमारा ए का आया। अब हम लोग निकालते हैं बी का, बी का क्या करते हैं, बी बी सी, 2 × 2 = 2 × 5 = 10। अब हम लोग निकालते हैं सी का, सी में हम लोग क्या करते हैं, बी सी सी, यानी 3 × 3 = 3, 3×5 = 15। अब हम लोग निकालते हैं अपने डी का, डी का कैसे निकालते हैं, बी सी डी। अब देखिए 3 × 3 = 9, और इसमें हमको कॉमन अब कुछ भी नहीं दिख रहा, तो ये हमारा ए का रेशियो हो जाएगा, ये बी का हो जाएगा, ये सी का हो जाएगा, ये हमारा डी का हो जाएगा। यहाँ पे हमने कैपिटल लिए, यहाँ पे स्मॉल, बात समान ही है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे, अब ए का कितना आया, ए का हमारा 20 आया, और डी का हमारा कितना, डी का हमारा 9 आया। इसी तरह हमसे चाहे सी डी का पूछे, बी डी का पूछे, सी ए का पूछे, चार में किसी का भी पूछे, हम लोग जब रेशियो निकाल ही लिए हैं चार को, तो हमें उनमें सिर्फ मान रखना बाकी है। तो अब हम इसको रफ करते हैं, आपको हमने पहले बताया अनुपात, फिर समानुपात, फिर तीन पद वाले रेशियो, फिर चार पद वाले रेशियो। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं क्वेश्चन एग्जाम में कैसे पूछा जाता है। अब हम इसको रफ करते हैं, पहला क्वेश्चन आपको हमारे बोर्ड पर दिख रहा होगा। पहला क्वेश्चन कहता है यदि 1.2 रेशियो 3.9 प्रोपोर्शन कितना है, 2 ये, तो हमने आपको बताया था ये है हमारा समानुपात। समानुपात में चार पद होते हैं, जब दो अनुपात बराबर होते हैं तो उसको ही हम लोग बोलते हैं समानुपात। अब देखिए हमने क्या बताया था, ये पद पूछ रहा है हमसे, चौथा पद हमने बताया था क्या, आउटर आउटर इनर इनर, बाहरी पदों का गुणा बराबर अंता पदों का गुणा। अंता पद इसमें क्या है, अंता पद हमारे ये और बाहरी पद हमारे ये। क्वेश्चन आपको हमारे बोर्ड पर दिख रहा होगा, अब देखिए क्या करते हैं, बाहरी पदों का गुणा करते हैं। बाहरी पद हमारे 1.2 × ये जो क्वेश्चन मार्क है इसको हम लोग ऐसा ही लिख देते हैं, अब बराबर करते, अब अंता पदों का गुणनफल करते हैं 3.9 × 2। अब देखिए हमें निकालना है ये, तो कितना हो जाएगा 3.9 × 2/1.2। अब देखिए अब हम लोग क्या करते हैं, एक पॉइंट से पॉइंट कैंसिल करते हैं, 2 × 2 = 6 × 12। अब हम लोग क्या करते हैं, 3 × 6 = 3, 3 × 3 = 9। अब देखिए कितना है हमारा 13/2, 2 × 12 = 10, तो हमारा आ जाएगा 6.5। जो हमारा पूछा गया था क्वेश्चन मार्क का मान वो आया 6.5। अब देखते हैं इसमें ऑप्शन कौन सा है, तो इसमें जो ऑप्शन है वो हमारा बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है, ये समानुपात का क्वेश्चन था। अब हम इसको रफ करते हैं, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है जो आपको हमारे बोर्ड पर
दिख रहा है। अगला क्वेश्चन कहता है कि यदि 5:8 समानुपात 150:x, तो आपसे पूछा है x का मान क्या होगा। हमने बताया था जब 2 अनुपात हमारे बराबर होते हैं हम उसको बोलते हैं समानुपात। समानुपात में क्या होता है कि अंतः पदों का गुणनफल बराबर बाहरी पदों का गुणनफल। अब देखिए बाहरी पद हमारे क्या हैं, 5 और x, और जो अंतः पद हमारे 8 × 150 है। तो अब देखते हैं बाहरी पदों का गुणनफल करते हैं तो कितना होगा हमारा, 5 × x बराबर अंतः पदों का। अब देखिए हमें मान निकालना है x का, तो x बराबर हमारा हो जाएगा 8 × 150/5। 5 × 5 पांतियाँ 15, कितना हो जाएगा हमारा 8 × 30 यानी 240 हो जाएगा जो x का मान। अब हम इसको रब करते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपको हमारे बोर्ड पर दिख रहा है। अगला क्वेश्चन कहता है कि अनुपस्थित संख्या ज्ञात कीजिए, जैसे 5:8 और समानुपात 15, और जो संख्या हमारी है पहले की तरह एकदम क्वेश्चन है, तो हम लोग क्या करते हैं अंतः पदों का गुणनफल और बाह्य पदों का गुणनफल। अंतः पद हमारे क्या हैं, बाह्य पद हैं 5 और जो पूछा गया वो, और अंतः पद हमारे क्या हैं 8 × 15। अब देखिए 5 × 5 5 × 15 तो हमारा कितना आ जाएगा, 8 × 3 = 24। तो यही हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है, तो हमारा क्वेश्चन का आंसर होगा वो सी के साथ चला जाएगा। अब हम इसको रब करते हैं, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन भी हमारा समानुपात से ही लिया गया है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि √2 / √3 समानुपात √6 और x। हमसे पूछा है कि x का मान बताइए। अब देखिए हमने आपको बताया था क्वेश्चन हमारा क्या है, समानुपात से है, तो हम लोग क्या करते हैं अंतः पदों का गुणनफल बराबर बाह्य पदों का गुणनफल। अंतः पद हमारे क्या हैं, अंतः पद √1 + √3 और √6। तो अब देखिए 1 + √3 × √6 बराबर बाह्य पद हमारे क्या हैं, √2 × x। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं 2 और 3, तो जो हमारा है ये √3 बचेगा यहाँ पे। अब हम लोग देखते हैं अब क्या है हमारा √3 × 1 + √3 बराबर x। अब हम इसका गुणा कर देंगे जो हमारा मान आएगा। अब हम करते हैं गुणा, √3 का अगर 1 में करेंगे तो हमारा आएगा √3, अगर √3 का अगर 3√3 में ही गुणा करते हैं तो हमारा क्या होता है, आता है 3। कैसे कि जो पावर होती है गुणे में जुड़ जाती है, √3 का मतलब √3 / 1/2 पावर, और अगली जो जिसमें गुणा करेंगे उस पर भी 1/2 पावर होगी। जब 1/2 + 1/2 बराबर कितनी हो जाएगी हमारी 1, तो हमारा रूट जो है इसलिए हट जाता है। अब देखिए तो हमारा हो जाएगा 3x। तो अब देखते हैं हमारा जो आंसर है वो आंसर जो है वो इसमें डी ऑप्शन था चला जाएगा। अब देखिए आप लोग ने देखा कि समानुपात में कितने कितने सिंपल क्वेश्चन है जो हर एक एग्जाम में आते हैं। अब देखिए अब हम इसको रब करते हैं, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन है कि ए बी और सी का रेशियो दे रखा है आपको, कितना दे रखा है, 1√3 और 2। अब पूछता है यदि यदि सी बराबर 4 हो तो बी का मान बताइए। आप बताइए आप रेशियो में क्या होता है, रेशियो में जो मान होता है किसी भी संख्या का वो मिनिमम यानी कम से कम मान होता है। अब देखिए यहाँ पे कि ऊपर देखिए जो दे रखा है आपको मान, ए का 1 दे रखा है, बी का √3 दे रखा है, सी का 2 दे रखा है, लेकिन यहाँ पे सी का दे रखा है 4, यानी जो अनुपात में गुणा कर रहे हैं उसे हमें 2 से गुणा करना है। चलो हम पूरे अनुपात में 2 से अगर गुणा कर देते हैं कुछ देर के लिए, तो हमारा जो नया अनुपात है वो कितना आएगा,
नया अनुपात जो आएगा तो 2 × √3 और 2 × 4। अब देखिए जो नया अनुपात आया वो मेरा कितना आया, ए बी और सी। सी का मान क्वेश्चन में कितना दे रखा था, 4। अब क्या हुआ, हमने 200 गुणा करने के बाद जो सी का मान क्वेश्चन में मैं लास्ट में दे रखा था भाई हमारा अनुपात में हमने बना लिया। अब क्या होगा, अब आपसे पूछा बी का मान बताइए। अब देखिए इसमें जब सी का मान अनुपात में भी बराबर है क्वेश्चन में भी बराबर है तो अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग देखते हैं कि बी का मान जो हमारे रेशियो में वो कितना है। अब जो बी का मान रेशियो में हमारा कितना है, 2 × √3। तो यही हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा। यदि हमसे ए का मान पूछता तो हमारा 2 हो जाता। अब देखिए हमारा क्वेश्चन में कौन सा, तो क्वेश्चन में जो हमारा ऑप्शन बी जिसमें दे रखा है 2 × √3, ये हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा। अब देखिए अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है कि एक्स वाई का जो रेशियो दे रखा है आपको 3 और 4 दे रखा है, 3 और 4 दे रखा, तो आपको मान निकालना है 3y - x रेशियो कितना दे रखा है, 2x + y का मान निकालना है। अब देखिए हमने बताया था रेशियो में क्या होता है, मान भी समान होते हैं, x का कितना है यहाँ पे 3 और y का यहाँ पे है 4। अब देखिए y का मान कितना रखना है हमको, 3 रखना है, तो 3 × 3 - x का कितना रखना है, y का मान कितना दे रखा है 4, तो 3 × 4 - x का कितना दे रखा है, x का दे रखा है यहाँ पे 3। अब रेशियो में अब देखिए x का कितना दे रखा है, x का 3, 3 का अगर 2 में करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 3 × 2 प्लस y का कितना दे रखा है समीकरण में हमें, सॉरी अनुपात में कितना दे रखा है 4। अब देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, चाहते हैं 12 × 3 गया तो हमारा आ जाएगा 12 से अगर 3 जाएगा तो हमारा आएगा 9, कितना 3 × 6 और 4 = 10। जो रेशियो हमारा आया है वो 9 और 10 का आया है। अब देखते हैं हमारा ऑप्शन कौन सा सही है, तो ऑप्शन जो है वो हमारा बी ऑप्शन सही है। तो आज हमने कॉन्सेप्ट में आपको रेशियो यानी अनुपात, समानुपात, 3 वाला रेशियो, 3 पदों वाला रेशियो, 4 पदों वाला रेशियो और कुछ अनुपात और समानुपात पे क्वेश्चन कराए। जो अगली वीडियो होगी उसमें हम लोग बताएंगे आपको माध्य यानी तृतीयानुपाती, चतुर्थानुपाती और माध्य, और इसके बाद जो हमारे क्वेश्चन होंगे 3 पदों पे 4 पदों पे तो उन पे भी हम डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।